टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक आदमी ने अपनी बीवी की हथौड़ा मारकर उसकी जान ले ली है। ये घटना शुक्रवार और शनिवार की देर रात में हुई है और घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। दरअसल ये पूरा मामला थाने से सटे कलवा का है। कलवा में 39 वर्षीय संजय हेमराज पाटिल और 31 साल की उनकी बीवी माधुरी संजय पाटिल अपने 7 साल की बेटी के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक संजय एक निजी फर्म में काम करता था, मगर 2 से 3 महीने से ये बेरोजगार था। बताया जा रहा है कि पहले संजय पाटिल ने अपनी 7 साल की बेटी को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया और ये दावा किया कि वो कहीं बाहर जा रहा है, मगर उसके बाद संजय ने अपनी बीवी माधुरी को हथौड़ा मारकर उसकी जान ले ली। इस पूरी घटना की जानकारी तब सामने आई जब पुणे में रह रहे संजय के भाई ने संजय और उनकी बीवी माधुरी से फ़ोन पर संपर्क करना चाहा, मगर नंबर दोनों का बंद आ रहा था, जिसके बाद संजय के भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कलवा पुलिस की टीम जब शनिवार शाम को फ्लैट नंबर 201 सूर्या अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर B4 कलवा में पहुंची, तो माधुरी को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि माधुरी की हथौड़े से मारकर उसकी जान ले ली गई थी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दिया है और कलवा पुलिस संजय पर 302 के तहत मामला दर्ज कर ली है। और घटना के बाद से ही फरार आरोपी संजय की तलाश में भी पुलिस की टीम जुट गई है और आगे भी पुलिस इस पूरे मामले की बड़ी ही बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।